खबर इस वक्त भागलपुर से है, जहां भागलपुर के बीखनपुर स्थित 12 नंबर गुमटी रेलवे संपार पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि रेल आने की सूचना पर फाटक गिर जाने के बावजूद दो पहिया चालक अपने दो पहिया वाहन के साथ आम राहगीर रेलवे लाइन को पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ढलान पर सड़क के दोनों किनारों पर रेलवे और बिहार सरकार की जमीन पर सब्जी मंडी लगती है, लेकिन सब्जी मंडी स्थानीय दुकानदार के शहर पर लगती है। दुकानदार सब्जी बेचने वालों से प्रतिदिन पैसे की उगाही भी करते हैं, जिसके कारण सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है तो यहाँ अक्सर जाम लग जाता है। कहा जा रहा है कि रेलवे आने की सूचना के समय भी बीच पटरी पर वाहनों का जाम लगा रहता है। हालांकि अभी तक इसे रेलवे संपार पर कोई बड़ी घटना हो सकती है विभाग के देखने की जरूरत है, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सब्जी मंडी के कारण यहां सड़क पर अतिक्रमण होता है, जिसके कारण जाम की समस्या पैदा हो जाती है। रेलवे के दोहरीकरण के बाद रेल पटरी पर रेलगाड़ी व मालगाड़ी की आवाजाही भी काफ़ी बढ़ी है, और साथ ही शहर के दक्षिणी क्षेत्र में लोगों की आबादी काफ़ी बढ़ी है और शहर में आने वाले रास्ता होने के कारण इस पर लगातार वाहनों का दबाव रहता है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। खबर केथल जिले से है, जहां भागल गांव में गो चेतना महायात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जहां गो कृपा कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में गो भक्तों ने भाग लिया। बता दें गो चेतना महायात्रा का केथल जिले में आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। अगर आप भी क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए नैनीताल घूमने आ रहे हैं तो जान लें नैनीताल पुलिस की नई योजना इस बार न्यू ईयर और क्रिसमस पे क्या है। आज पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने के दिशा निर्देश पर नैनीताल शेले हॉल में क्रिसमस व न्यू ईयर के दृष्टिगत नैनीताल में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यटकों की भारी आवाजाही की संभावना को देखते हुए नैनीताल के सभी होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल के अधिकारी, कर्मचारी गणों, नाव चालकों, रिक्शा चालकों, नैनीताल के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ यातायात पर्यटन व्यवस्था के संबंध में गोष्ठी आयोजित की गई। वहीं पुलिस की महत्वपूर्ण योजना की जानकारी इस गोष्ठी में दी गई। स्थानीय व्यक्ति, वाहन चालक, बुकिंग वाले पर्यटकों को प्राथमिकता के आधार पर छोड़ा जाएगा। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थानों पर भेजा जाएगा। उक्त पार्किंग के फुल होने की स्थिति में वैकल्पिक पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की जाएगी। रूसी बाईपास क्षेत्र को सेक्टर जोन बनाकर कम्युनिकेटिंग सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, ताकि जनता पुलिस के बीच समन्वय स्थापित हो सके। अत्यधिक पर्यटकों के आने वाली स्थिति में कालाडूंगी वे काठ गोदाम आदि से यातायात डायवर्जन किया जाएगा। दोपहिया वाहनों को भी रूसी बाईपास पर रोका जाएगा। क्रिसमस के अवसर पर घोड़ा स्टैंड से लेकर हाईकोर्ट रोड तक सभी वाहनों के लिए वन में व्यवस्था होगी। जनता पर्यटकों हेतु ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग सिस्टम जारी किया जाएगा, ताकि संबंधित स्थान पर पहुंचने में पर्यटकों को कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही लोडिंग अनलोडिंग से संबंधित कार्य रात्रि में ही किए जाएंगे। टैक्सी वाहन के पिकअप ड्रॉपिंग के लिए निर्धारित स्थल बनाए जाएंगे। होटल चेकआउट 10 से पार्किंग चेकआउट 11 बजे तक निर्धारित की गई है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि बैरिकेडिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, होटलों आदि मुख्य स्थानों पर फीडबैक रजिस्टर, ड्रॉप बॉक्स रखे जाएंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण, पर्यटक पुलिस की ड्रेस में ड्यूटी करेंगे। अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन हॉक्स, इंटरसेक्टर, हाईवे पेट्रोलिंग कार की व्यवस्था होगी। कैशलेस चालान की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही जनता के सहयोग की अपेक्षा भी मांगी गई है। होटल व्यवसायी, टैक्सी चालकों आदि से अनुरोध किया गया है कि रेट लिस्ट, स्टाफ का आई कार्ड, सीसीटीवी कैमरे, फीडबैक रजिस्टर, आगंतुकों के रजिस्टर की पूरी व्यवस्था करें। नई योजना के अंतर्गत पार्किंग व्यवस्था की गई है। फ्लैट ग्राउंड पर टैक्सी, बाइक्स व दोपहिया वाहनों हेतु पार्किंग व्यवस्था की गई है। 31st के अवसर पर अपर मॉल रोड पर यातायात सह 4 बजे से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर पैदल मार्ग बनाया जाएगा। रात्रि 9 बजे के बाद लोअर मॉल रोड को भी यातायात हेतु बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर बड़े फैसले ले लिए गए हैं, और इस बैठक में तमाम पुलिस अधिकारी समेत मौजूद रहे, जिसको लेकर जनता के लिए पूरी सुविधाएं बनाई गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज और उन्मूलन में बाल विवाह से मुक्ति को लेकर समाज सुधार अभियान के तहत बुधवार को अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती मोतिहारी के गांधी मैदान से की। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जीविका दीदियों से संवाद किया। जीविका दीदियों ने समाज सुधार में किए गए अपने कार्य और अनुभव को मन से साझा किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई जीविका समूह को करोड़ रुपए का चेक दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि चाहे जो हो जाए, लेकिन शराबबंदी लागू ही रहेगी। सीएम ने शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करने के लिए बयान
देने वाले नेताओं का आड़े हाथों भी लिया। वहीं आपको बता दें, समाज में दहेज कुप्रथा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैवाहिक कार्यक्रम के निमंत्रण कार्ड पर दहेज मुक्ति शादी लिखा होगा उन्हें ही शादी में शामिल होंगी। तो वहीं इसके साथ ही सीएम ने अपने कार्य की भी चर्चा की। इसके साथ ही केंद्र ने लड़कियों की शादी की उम्र को 21 वर्ष करने का फैसला लिया। तो वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि समाज में आज भी बाल विवाह प्रथा कायम है और कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं तो कुछ पुरुष महिलाओं को अपने से अलग मानते हैं, तो ऐसे में फैसला उनको सही लगा है। तो वहीं बता दें, अधिकारियों ने नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने को लेकर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी दी गई। इसलिए बाल विवाह बहुत बुरी चीज, दहेज प्रथा तो बड़ा खराब है भाई। बहुत लोगों को लगता है कि हम लड़का को पढ़ा रहे हैं तो खूब खर्चा आता, तो उसकी शादी करेंगे तो जो आएगा तो उसे हम लेंगे, दहेज लेंगे तब तो हमारा पूरा हो गई। इससे बढ़कर के खराब बात तो कुछ नहीं हो सकता। और कई जगह पर लोग करके शादी कर लेंगे और फिर तंग भी करते हैं, घर में भी लोग तंग करते हैं बिना मतलब का लड़की को, कि हमको और पैसा मिलना चाहिए। भला बताइए, पैसे की क्या भूमिका। इसलिए दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है और कानूनी रूप से यह अपराध है। इसलिए कृपा करके सब लोगों से, और इसमें तो हमारी बहनों को तो करना ही है, हमारे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, एकदम आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि निश्चित रूप से लोगों के बीच में प्रचार करिए कि दहेज प्रथा बहुत खराब चीज है। और जब हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया भाई, इसके लिए भी 17 में कितना अभियान चलाया, 18 में उसके लिए भी मानव श्रृंखला बनी, कितना बढ़िया बना। और बाद में तो उस समय कोई शादी का कार्ड भेजते थे तो लिख देते थे कि हम अपने बेटा का विवाह जो कर रहे हैं इसमें कोई दहेज नहीं लिए। अब आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का कार्ड आ रहा है उसमें लिखा ही नहीं रहता कि दहेज नहीं ले रहे। भाई कृपा करके, अब हम तो खैर आज आप कह देते हैं समाज सुधार अभियान के पहले दिन, अब पहले भी हम यही पालन करते थे, आज हम फिर कह देते हैं, अगर जिनका भी चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। अब बाकी सब लोगों से कहेंगे वो रहे तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए। ये जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि ये दहेज प्रथा से भी मुक्ति मिलेगी। तो हम लोगों को जैसे शराबबंदी के लिए काम करना है, उसी तरह से बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा। जिला मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ता और एडवोकेट नीरज रावत के द्वारा बागेश्वर धाम महंत कथावाचक श्री बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन शहर के डाक बंगला मैदान में किया गया, जिसके चलते नगर भर में श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ महिला पुरुष बच्चे बुजुर्गों की उपस्थिति में बड़े ही उत्साह के साथ निकली। बता दें 22-28 दिसंबर तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत 29 दिसंबर को प्रसाद और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं श्रीमद् भागवत कथा की ओर से मुख्य श्रोता के रूप में रावत परिवार के मुखिया सावित्री देवी और समस्त रावत परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत के वैदिक पूजा अर्चना और आरती संपन्न की गई। इस दौरान विधायक राकेश गोस्वामी, जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर, भाजपा मीडिया प्रभारी शशांक गुप्ता, व्यापार मंडल के भागीरथ समेत तमाम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समेत हजारों संख्या में भक्त मौजूद रहे। खबर आगरा से है, जहां पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने पर ग्राहक की गाड़ी में पानी निकला। बता दें ग्राहक की गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी निकलने पर पेट्रोल भरवा रहे ग्राहकों ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया। ग्राहकों का कहना है कि पंप चालक पेट्रोल के साथ में पेट्रोल में ग्राहकों को पानी दे रहा है, तो वहीं पेट्रोलियम विभाग की लापरवाही की वजह से इस महंगाई में ग्राहकों के पंप संचालक पर कई आरोप लगे हैं। पूर्व में पेट्रोल विभाग के द्वारा ऐसे पेट्रोल पंप के खिलाफ की जा रही बड़ी कार्रवाई देखी चाहिए। वहीं ग्राहकों ने इससे चूना लगाने वाले पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। बता दें पूरी घटना आगरा के प्रतापपुरा पेट्रोल पंप की बताई जा रही है, जहां ग्राहक की गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी मिला है। रामनगरी में गोवंशों का चारा भुगतान करने वाले नगर निगम के ठेकेदारों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मदाह की धमकी दी है। बता दें कि नगर निगम अयोध्या बेसिंह गौशाला में गो भक्तों के भोजन के लिए हरा चारा, भूसा, चुनी, चोकर की सप्लाई देने के लिए 2019-20 और वित्तीय वर्ष 20-21 में सीएम कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया गया था, लेकिन कई महीनों से भुगतान न होने के चलते ठेकेदार ने नगर निगम को चेतावनी दी है।
नगर निगम अयोध्या बेसिंग गौशाला के अंतर्गत सीएम कॉन्ट्रैक्टर के प्रोपराइटर चंद्र मोहन के द्वारा लगातार गोवंशों के भोजन के हरा चारा भूसा चूनी चोकर की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन मात्र 6 महीने तक ही उनका भुगतान किया गया और उसके बाद 31 जुलाई 2021 तक का भुगतान नहीं किया गया, जिसका कुल राशि 1,47,41,536 रुपये हो गया है, जिसकी वजह से ठेकेदार की आर्थिक स्थिति खराब है और इस बीच अस्वस्थ भी है और इसी से परेशान होकर अब चंद्रमोहन ने नगर निगम के सामने 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मदाह की धमकी दी है। नगर निगम अयोध्या के ठेकेदार चंद्रमोहन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 और 21-22 से बेसिक गौशाला में गोवंश के भोजन के लिए हरा चारा चूनी चोकर व भूसा का आपूर्ति का ठेका मुझे मिला था, लेकिन उसके बावजूद रकम नहीं दी, जिससे परेशान होकर अब ठेकेदार ने आत्मदाह की धमकी दी। पैसा बाकी है जिससे किसान हमसे बार बार पैसा मांगता है, इसलिए हम बहुत परेशान होकर 26/1/2022 को नगर निगम के कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे, क्योंकि सर हम बहुत मजबूर हो गए हैं, हम बहुत परेशान हो गए, किसान हमसे बार बार पैसा मांगता है, हमारा पैसा दे दीजिए, हमको सरकार पैसे नहीं दे रही, हम क्या करें सर, बहुत परेशान हो गए हैं। हम सबको बार बार नोटिस करते हैं कि सर हमारा पैसा दे दिया जाए, क्योंकि किसान हमको बार बार टार्चर परेशान करते हैं, मार्केट का भी बड़ा पैसा हम उधार हैं, हम क्या करें, हमारी बहुत मजबूरी है। 26/1/2022 नगर निगम कार्यालय के सामने मैं आत्मदाह कर लूँगा, मेरे सामने आत्मदाह के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है, क्या करें सर, हम बहुत मजबूर हैं, पर हमारी पत्नी बीमार है, हम मैं बीमार हूँ, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या नाम है आपका जो? हमारा सीएम कॉन्ट्रैक्टर, हमारी फर्म का नाम है सीएम कॉन्ट्रैक्टर, हम प्रोपराइटर हैं चंद्रमोहन श्रीवास्तव। किस चीज़ का पैसा है ये? ये भूसा चूनी चोकर हरा चारा। और कब से बकाया है ये? 2020, 2021, 2022 और 21 जुलाई तक हमने सप्लाई दिया, हमारा पैसा बाकी था 1,47,00,000। मैं इनसे कहा कि सर हमें 50% भुगतान कर दीजिए, जिससे सप्लाई जारी रहे, ये हमको सब 50% भुगतान नहीं किए। उसके बाद ये दोबारा टेंडर निकाले, टेंडर हुआ 300 रुपये प्रति कुंटल की दर से निजी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए दोबारा टेंडर कराया गया, 300 रुपये चूनी में और 300 रुपये चोकर में प्रति कुंटल की दर। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं प्रवेश द्वार हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा बुधवार को स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, भाजपा प्रदेश महामंत्री समेत भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान स्टेज बनाने अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चिन्हितकरण भी किया गया और मैदान में नुमाइश लगाई भी गई कि जिसे हटा लिया गया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के हल्द्वानी में जनसभा आगामी 30 दिसंबर को प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने कहा कि मैदान में सभी व्यवस्थाओं के साथ ही सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही जनता को यातायात की असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अपनी कई समस्याओं से परेशान और जिला प्रशासन से नाराज किसान नेताओं ने आज सदर तहसील के तिकोनिया पार्क पर जमकर हंगामा किया और पुलिस और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी भी की। पिछले कुछ समय से कुछ परिवार और किसान अपनी कई समस्याओं को लेकर कई दिनों से कड़कड़ाती ठंड में दिन रात धरना दे रहे हैं। प्रशासन के द्वारा किसान परिवार के सुध लेने से नाराज लगभग सैकड़ों किसानों में तिकोनिया पार्क इकट्ठा हुए और अपने अलग अलग मामलों में प्रशासन की उदासीनता से नाराज किसान नेताओं ने शहर के सिविल लाइन स्थित सदर तहसील के सामने तिकोनिया पार्क में महापंचायत बुलाई थी। वहीं समस्या का समाधान न होने पर जिलाधिकारी आवास के सामने सभी किसान नेता और उनके समर्थकों ने रोड जाम किया और अपनी समस्याओं को सामने रखा। किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि सरकार और प्रशासन उदासीन हो चुका है और किसानों की समस्या को अनदेखा कर रहा है। बता दें, पिछले कई दिनों से एक परिवार कड़कड़ाती ठंड में धरना दे रहे हैं, उसके अलावा कई अन्य समस्या जिसका निस्तारण अब तक नहीं किया गया है। किसानों की समस्या अब तक नहीं सुनी गई है, उन्हें महज आश्वासन ही दिया गया। जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने कहा कि थाना पुराक लंदर के अंतर्गत 9 बीघा जमीन विवाद को लेकर आरोप लगाया कि थाना पुराक लंदर इंचार्ज चौकी इंचार्ज मिलकर के जमीन को कब्जा कर रहे हैं और उसी विवाद को लेकर हम लोग 2 दिन थाना पुरा कलंदर में धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद जिले में तिकोनिया पार्क में धरना दिए। हमारे पास 7 बीघा जमीन की खितौनी हमारे पास में है, लेकिन यहाँ के तहसीलदार एसडीएम हमारी खितौनी देखने के बाद पैच।
लेकिन यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम हमारी खितौनी देखने के बाद 5 दिन का समय मांगे थे और 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक हमारी जमीन का कब्जा नहीं मिला। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर किसानों में गुस्सा है, तो वहीं दूसरा प्रकरण साहबगंज चौकी के पीछे का है, जहां गली का उसमें भी कुछ लोग दबंगई का जमीन को कब्जा कर रखे, लेकिन इस मामले में भी अब तक कुछ नहीं किया गया है। जिसमें जो है हमारे यहाँ एसडीएम सोहावल का एक मैं करता हूँ थानापुरा कलंदर का, तो उसमें हमारे एक कार्यकर्ता की जमीन थी जो किसी खेतौनी में नक्शे में चकबंदी में है, तो प्रशासन द्वारा उसका जो है विपक्षी को उसको कब्जा करवा दिया गया। इसी बात को लेकर हमारा दफ्तर थाने का घेरा हुआ था, तो उस गरीब को 7.5 बीघे जमीन मिली और आज जो 2.5 बीघे जमीन की बात है तो उसमें सारा उसके पक्ष में रिपोर्ट होने के बावजूद भी उसको कब्जा नहीं मिल पा रहा है। और हमारे यहाँ सोहावल के टोल प्लाजा के छठ के रास्ते को लेकर तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं, जो प्रशासन द्वारा टोल बचाने के चक्कर में प्रशासन ने वो कट बंद करवा दिया, जिससे ग्रामीणों को आज 4 किलोमीटर का चक्कर काट कर उस खेत में जाना पड़ रहा है। ये भी हमारे 3 साल पहले के मुद्दे थे, जो सरकार ने पहले 60 फीट का कट टोल के रखा था जो सड़क बनी थी, लेकिन आज वो कट नहीं खुल रहा। इसी से 16 बिंदु की समस्याएं हैं, जो समस्याएं हमारे महिला विंग के अध्यक्ष और हमारे किसान यूनियन के लोग उठाए हुए हैं, जो ये समस्याएं का निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए आज डीएम के आवास को हम लोग घेर कर रखे हुए हैं, अगर निस्तारण नहीं हुआ तो हम लोग यही रात दिन बैठकर ही समस्या का निस्तारण करेंगे। 27 नवंबर 2021 से यहाँ किसान महिला किसान शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। समस्याएं बहुत छोटी छोटी सी हैं, चकमार को खाली कराना है, नाली को खाली कराना है, अवैध कब्जे को खाली कराना है, ऐसे छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि प्रशासन का दायित्व बनता है काम करने का। आज 25वां दिन है धरने का, 25 दिन धरना हो जाने के बाद भी प्रशासन ने अभी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। सोहावल तहसील प्रशासन 5 दिन पहले वार्ता किया था, वार्ता करने के बाद आश्वासन देने के बाद भी अभी कंप्लायंस नहीं किया। इस नाते आज महापंचायत हो रही है और आज महापंचायत जो होगी वो आर पार की होगी। आज यहाँ से किसान सादा नहीं लौटेगा, बैरंग नहीं लौटेगा, अपनी समस्या समाधान करके ही लौटेगा। खबर आगरा से है, जहां आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में पेड़ से शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें स्थानीय लोगों ने फोन कर पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और अपने कब्जे में ले लिया और इसकी तलाशी शुरू कर दी गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें शव के आसपास किताबें भी मिली है, पुलिस ने हत्या की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शव युवक का है, जिसकी जाँच पुलिस कर रही है। खबर दातागंज से है, जहां दातागंज भाजपा क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बबलू भैया के स्वर्गीय पिता रामपाल सिंह के जन्मोत्सव पर क्षत्रिय सभा का आयोजन किया गया, जहां 117 विधानसभा क्षेत्र के काफी संख्या में क्षत्रिय लोग सभा में पहुंचे। तो वहीं क्षत्रिय समाज अपने विधायक SS बिल्कुल नाराज नहीं है। तो वहीं आपको बता दें आने वाले चुनाव में विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बबलू भैया का सहयोग करें। एक तो हमारे पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोग आए थे, जो कि राजनीतिक चुनाव भी शुरू हो गया है। सभी लोग आप देख रहे हैं कि आज केवल हमने अपने समाज के लोगों को यहाँ बुलाया था और मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के एक एक गाँव से भारी मात्रा में सब लोग आए हैं और कहीं कोई उनके मन में कोई बात नहीं। सभी लोग पूरी तरीके से समर्पण की भावना से, मेहनत तो कर्मठता से चुनाव लड़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए कमर कस के यहाँ से जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 350 से अधिक सीटें जिताने का काम करेंगे, जिसमें दातागंज की सीट भी मैं समझता हूँ जनपद में सबसे आगे हो। अपने पिछले 5 साल के जो 5.5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें क्या उपलब्धि आपके नाम रही? नहीं, 5 साल में तो आप लोगों ने देखा सुना होगा ही, मैं समझता हूँ जनपद की बात तो क्या करूँ, बरेली मंडल से भी और उत्तर प्रदेश में शायद कुछ गिनी चुनी विधानसभाओं में ये काम हुए होंगे। 4-5 काम मैं प्रमुखता से बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के सहयोग से एक एथेनॉल और CNG गैस का फैक्ट्री लगी है, जिसमें हम किसानों का जो पराली होती है उसको लेने का काम करेंगे। और जो उनकी फैक्ट्री लग गई है, आधे से ज़्यादा बन गई है, धान और गेहूँ की जो वेस्ट बचता है
उसको खरीदेंगे किसानों से और उससे सीएनजी और गैस बनाएंगे। दूसरा वहीं पर एक पीएसी की बहुत बड़ी बटालियन, पहला पीएसी की बटालियन की स्थापना हुई है जिसमें लगभग 2,500 से 3,000 हमारी माताएं बहनें इसमें ट्रेनिंग लेंगी और प्रदेश की सुरक्षा में लगेंगी, और वो भी उत्तर प्रदेश में 3 ही बटालियन। उसके साथ ही एक वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजली घर भी बन गया है, आधे से अधिक बन गया है। एक हमारे यहाँ रामगंगा पर पुल की आवश्यकता थी, एक बड़ा पुल करीब 60 करोड़ से अधिक की लागत का तैयार हो गया है। अभी 2 साल पहले उसका हम लोगों ने शिलान्यास किया था। उसके साथ यहाँ पर एक फायर स्टेशन की बहुत मांग थी, सन 1952 से कोई फायर स्टेशन नहीं था पूरी विधानसभा में, फायर स्टेशन भी उद्घाटन के लिए तैयार है। यहाँ पर कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था, एक कुसावा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हुई, आधे से अधिक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र, किसानों की आय को दोगुना करना हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए समरेर में जिले के दूसरे जिला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होकर आधे से अधिक निर्माण हो गया है। कई छोटे बड़े पुल और सड़कों के साथ साथ बदायूं दातागंज होते हुए हमने तेलहर पवाएँ तक इस मार्ग को स्टेट हाईवे भी घोषित करा दिया है, और उससे बड़ी एक उपलब्धि हमको गंगा मेरठ। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में स्वच्छता ग्राही का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें, स्वच्छता ग्राही के साथ जिलाध्यक्ष गेंदन लाल कश्यप पैदल चलकर विकास भवन पहुंचे। स्वच्छता ग्राही पिछले भुगतान न मिलने के चलते लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रास्ते में गेंदन लाल कश्यप के पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिली। नोकझोंक के बाद पुलिस अपने साथ 10 लोगों को हिरासत में ले गई, तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी के पास ले जाया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी इस दौरान देखे गए, तो वहीं स्वच्छता ग्राही के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेता भी उतर आए। बता दें, अगर सोमवार तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो तमाम स्वच्छता ग्राहियों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया गया है, जिसको समाजवादी पार्टी का समर्थन भी हासिल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किरण लाल कक्कर जी। आज आप लोगों ने एक ज्ञापन दिया, क्या मामला है? मामला यह है, लगातार 2017 से हम सब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो मोदी जी का कार्यक्रम था, उसमें हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को शौचालय के लिए प्रेरित कर रहे थे, और उस प्रेरित के बदले, उस कार्य के बदले हमारे लिए जो 150 रुपये तक शौचालय का भुगतान होना था वो भी आज तक नहीं हुआ। गांव ओडीएफ होने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि हम लोगों को मिलनी थी, आज तक वो भी नहीं हुआ। कितना समय हो गया आपको इस भुगतान को लेकर? लगातार 4-5 साल से हम लोग भटक रहे हैं, और जिले वाले कहते हैं ब्लॉक स्तर पर जाइए, ब्लॉक स्तर वाले कहते हैं जिले स्तर जाइए, ये बहानाबाजी सब एक दूसरे पे करते रहते हैं। मजबूर होकर हमें आज यहाँ प्रधानमंत्री पे सब लोगों के साथ इकट्ठा होकर आना पड़ा, और हम लोग ज्ञापन देने के लिए मुख्य अधिकारी जी के लिए विकास भवन जा रहे थे। रास्ते में हमें पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, नोकझोंक भी ही उन्हें आगे नहीं जाने दिया। वो अपनी सुरक्षा में हमें लेके हमारी 7 सदस्यीय टीम को लेकर विकास भवन में ज्ञापन देने के लिए डीपीआर महोदय के पास ले गए। डीपीआर महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया, 1 सप्ताह के अंदर जांच कर आपको भुगतान करा दिया जाएगा।